किलर काम करे घूमे फिरे बस्ती में। सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके लिए फिर से एक न्यू ट्रेंडिंग सॉन्ग के ऊपर वीडियो एडिटिंग लेके आई हूँ। सो गाइस, इस तरह का वीडियो अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है इंस्टाग्राम रील्स पे, लाखों मिलियन में व्यूज आ रहे हैं इस पर। अगर आप भी इस तरह का वीडियो बनाकर अपलोड करते हो तो 100% गाइस आपकी भी वीडियो वायरल होगी। तो गाइस, आज मैं आपको इसी की कंप्लीट ट्यूटोरियल बताने वाली हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट वॉच करना गाइस। एंड गाइस, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना गाइस। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इस तरह का वीडियो को एडिट करने के लिए हमें VN एप्लीकेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको प्लस का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट पे टाइप करना है। यहाँ पे आपको अपनी गैलरी में जाना है और आपको अपनी वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी वीडियो को आपको एडिट करना है। सो गाइस, आप देख सकते हैं मैं इसी वीडियो को एडिट करूँगी, अभी नॉर्मल है, मैं इसी वीडियो को एडिट करना बताऊँगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्पीड इस पर आपको टाइप करना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, रेगुलर पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इसको स्लो कर लेना है थोड़ा सा। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपने ऑडियो को म्यूट कर लेना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको वीडियो पे टाइप करना है और यहाँ पे आपको अपनी गैलरी में जाना है और आपको अपने इफ़ेक्ट वाले वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सो गाइस, मैं आपको इसी वीडियो के थ्रू आपको इस ओरिजिनल वीडियो को एडिट करना सिखाऊंगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये इफ़ेक्ट वाले वीडियो को आपको यहाँ पर आपको नीचे आपको रख लेना है। तो फिर आपको देख लेना आपका इफ़ेक्ट वीडियो में कहाँ तक आ रहा है। तो गाइस, आप देख सकते हो वीडियो में इफ़ेक्ट यहाँ तक आ रहा है। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है और आपको स्प्लिट पर टाइप कर लेना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से आपको अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेना है और आपको फिर से देखना है कि सेकंड इफ़ेक्ट आपको कहाँ पे आ रहा है। तो आप देख सकते हो सेकंड इफ़ेक्ट यहाँ पे आ रहा है। तो आपको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है और स्प्लिट पे आपको टाइप कर लेना है। फिर से आपको अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेना है और आपको देखना है कि आपको ये थर्ड वाला इफ़ेक्ट कहाँ पर आ रहा है, फिर बाकी के पार्ट को आपको कट कर लेना है। फिर आपको इसमें इफ़ेक्ट को ऐड कर लेना है। तो आपको क्या करना है, ये थर्ड वीडियो पार्ट को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको इफ़ेक्ट पे जाना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, जूम आउट 02 इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इस इफ़ेक्ट को आपको सेलेक्ट करना है और इसको आपको पूरी वीडियो में यहाँ तक लगा लेना है। फिर यहाँ से आपको ओके कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, सेकेंड वाले वीडियो क्लिप पर आपको टाइप करना है और आपको फिर से इफ़ेक्ट पे जाना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, इस वाले इफ़ेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसको क्या करना है, यहाँ तक अपने वीडियो में अप्लाई कर लेना है। फिर यहाँ से ओके कर लेना है, इस वीडियो क्लिप पे टाइप करना है और यहाँ पे आपको यहाँ तक सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, स्प्लिट पे क्लिक कर लेना है। फिर आपको इस पार्ट पर आपको टाइप करना है, इस वाले इफ़ेक्ट को सेलेक्ट करना है। फिर आपको क्या करना है, इसको यहाँ तक अपने वीडियो में अप्लाई कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, ये आपको इफ़ेक्ट वाले वीडियो पे आपको टाइप करना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे टाइप करना है और आपको इस वीडियो को डिलीट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, बीटा एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बीटा एप्लीकेशन की वाटरमार्क को आपको ऑफ़ कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको न्यू प्रोजेक्ट पर टाइप करना है और यहाँ पे आपको अपनी वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है, जिस वीडियो को आपने एक्सपोर्ट किया था अभी। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, इफ़ेक्ट पे आपको टाइप करना है और फिर से आपको इफ़ेक्ट पे जाना है। यहाँ पे आपको बिलिंग पे टाइप करना है, यहाँ पे आपको हेलो ब्लर को सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से आपको ओके कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस, आई होप आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्लेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि मैं जब भी कोई हेल्पफुल वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अब चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।